Hello friends, welcome to my channel Exam Steadiness. मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ IBPS PO mains में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे उसके बारे में. आइए देखते कौन कौन से क्वेश्चन आए थे. सबसे पहला क्वेश्चन था कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन सी कंट्री में होने वाली है. वो होने वाली है मैड्रिड स्पेन. इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इंडिया में कौन सा फर्स्ट स्टेट बना जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग पर एक लॉ लेकर आया. वो है तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन से इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल एलुमनी एंडोमेंट फंड लॉन्च किया जिसमें वो 250 करोड़ का उनका इनिशियल कमिटमेंट है. वो है IIT दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इंडिया में कौन सा हॉस्पिटल है जिसने रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी स्टार्ट की पब्लिक के लिए. वो है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली का. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किसको प्रेस्टिजियस इटालियन अवार्ड मिलने वाला है सैंड आर्ट के लिए. वो है सुदर्शन पटनायक ओडिशा के. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से इंडियन रेलवे के जोन ने ऑपरेशन धनुष लॉन्च किया है अगेंस्ट टिकट टाउट्स इन्वॉल्व इन ई टिकटिंग. वो है सेंट्रल रेलवे जोन. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो बुक है यूनिकेट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर वो किस उसके ऑथर कौन है. वो है अरूप ज्योति साखिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु टेक्स ओथ एज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. वो है शरद अरविंद बोबड़े. उन्होंने 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ली है. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड कौन से फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है. वो है हारमोनी फाउंडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. वो है बेंगलुरु कर्नाटक में. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन कौन से स्टेट को प्रोवाइड किया है. वो महाराष्ट्र को प्रोवाइड किया है फॉर उनकी रोड सेफ्टी को सुधारने के लिए और वहाँ पे जो रोड का कंस्ट्रक्शन है उसको अपडेट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भरोसा सेविंग अकाउंट कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया. वो है एयरटेल पेमेंट बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन सिविल स्कोर. सिविल स्कोर हम लोन देने के लिए निकालते हैं उसमें कितनी डिजिट होती है. उसमें 3 डिजिट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $451 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है कौन से स्टेट को जहाँ की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी सुधारी जा सके. वो है तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने फास्टैग इशू किए हैं व्हीकल्स के लिए. वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं. वो है RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर हूज चेयरमैनशिप सेबी हैज कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज. इसका आंसर है इशात हुसैन. इनके अंडर सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक वर्किंग ग्रुप बना है जिसके चेयरमैन बने हैं इशात हुसैन. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन से बॉलीवुड स्टार ने ICC वर्ल्ड कप T20 की ट्रॉफी अनवील की है एट मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड इन ऑस्ट्रेलिया इन नवंबर. वो है करीना कपूर. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि करमन शेखर अभी MD और CEO बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के. इससे पहले वो किसके MD और CEO थे. वो थे डेना बैंक के. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू FD डिपॉजिट की स्कीम जिसको कहते हैं FD हेल्थ वो कौन सी बैंक ने लॉन्च की. वो है ICICI बैंक ने लॉन्च की है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2019 जो हम 27 अक्टूबर को मनाया गया था उसकी थीम क्या थी. वो थी इंगेज द पास्ट थ्रू साउंड एंड इमेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबादा स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है. वो है ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2018-19 में इंडिया की GDP ग्रोथ है वो कम हो गई थी 6.8% हो गई थी पर उससे पहले 2017 और 2018 में कितनी थी. वो थी 7.2%. नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी ने इलाहाबाद बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म. वो ऑनलाइन ऑक्शन करेंगे. वो है MSTC लिमिटेड कंपनी. उन्होंने इलाहाबाद बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितने लोग उतने प्रेम जो बुक है उसके लिए व्यास समन किसे दिया गया. उसके राइटर है लीलाधर जगोरी. उन्हें दिया गया व्यास समन. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो सेटअप ओन्ड और ऑपरेट करते हैं नॉन बैंक एंटिटीज़ यानी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऑपरेट करती है उनको क्या कहा जाता है. उनको कहा जाता है वाइट लेवल ATMs WLA. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एज़ पर द नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कितने परसेंट GDP इंडिया अपना खर्च करती है हेल्थ पर. वह है 1.28% GDP का.
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंपनी ने MOU साइन किया NTPC और टेरी के साथ फॉर डीकार्बोनाइजेशन, वो है सीमेंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम सोलर बेस प्लांट कौन से सिटी में सिचुएटेड है, वो कोलकाता में है। नेक्स्ट, विच रिजोल्यूशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड टू सॉल्व द NP प्रॉब्लम थ्रू अ मार्केट लेड अप्रोच, वो है उसका आंसर प्रोजेक्ट सशक्त, इसको लॉन्च किया गया जिससे कि NP प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके मार्केट लेड अप्रोच के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने मर्जर कर अप्रूव कर दिया 13 डिस्ट्रिक्टिव कोऑपरेटिव बैंक्स का, वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में करेंगे, वो कौन से स्टेट में है, वो है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सिटी डे के दिन यूनेस्को ने मुंबई को क्रिएटिव सिटी माना, तो हैदराबाद को कौन सी सिटी माना, उसको माना गैस्ट्रोनॉमी की सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट एवर इंडियन ब्रेन एटलस बनाया है, वो है IIIT हैदराबाद, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद में, उसने फर्स्ट इंडियन ब्रेन एटलस बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सराय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड किस बैंक के साथ पार्टनर हुए प्रोवाइड करने के लिए लोन्स टू MSME सेक्टर, वो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI आई टच टैप एंड गो डेबिट कार्ड कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो SBI ने लॉन्च किया, वो है होस्ट कार्ड एम्यूलेशन टेक्नोलॉजी SCE टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने एक 25,000 करोड़ रुपीज़ का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया, वो किसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए किया है, उसका आंसर है टू डेवलपर्स विद अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ होम्स टू बाय, यानी रीस्टेट सेक्टर के लिए उन्होंने प्रोवाइड किया 25,000 करोड़ का फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था PSBs विल फोकस ऑन गिविंग लोन्स टू विच कैटेगरी, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को कौन सी लोन देना चाहिए, कौन सी कैटेगरी को देना चाहिए, उनको देना चाहिए RAM कैटेगरी, मतलब रिटेल एग्रीकल्चर और MSME सेक्टर को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि RBI रेज विड्रॉल लिमिट ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, उन्होंने लिमिट बढ़ा दी है 40,000 से अब 50,000 कर दिए, तो इसकी वजह से उनके कितने परसेंट ऑफ डिपॉजिटर है वो सारा अपना अमाउंट निकाल पाएंगे, उसका आंसर है 78%। आया था कि इलेक्ट्रोरल बॉन्ड है जो एक बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो भी एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी उसको फंड प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस पार्टी को कौन से सेक्शन के अंडर रजिस्टर करना है, मतलब एक्ट उसका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें कौन से सेक्शन में रजिस्टर करना है, तो उसका आंसर है सेक्शन 29A। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का, RBI इशू गाइडलाइंस ऑन डैश ऑथराइजेशन फॉर भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिटेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एंड बाइट लेवल ATM, उसका आंसर है ऑन टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है टू न्यू कंट्रीज एट्रिटिया एंड सेंट किट्स एंड नेविस हैव साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एट द सेकेंड असेंबली ऑफ ISA हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो अब कितनी ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को कितनी कंट्रीज ने टोटल अब तक साइन कर लिया है, उसका आंसर है 83 कंट्रीज। ये सारे क्वेश्चन थे जो IBPS PO मेंस में आए थे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल एग्जाम स्टडी।